हमीरपुर भी, और हमीरपुर युवा चेहरा हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं केंद्र में अनुराग ठाकुर, उनका इलाका है, बल्कि मैं कहूं उनके पिताजी का ये गढ़ है। प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, पर इस बार चुनावी ताल नहीं ठोक रहे हैं। उनसे बात की है मेरे सहयोगी ऋषिकेश ने, सुनिए। जिससे कि पार्टी को और आसानी होती है। पहली बात तो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त ही कांग्रेस ने किया था, ये आग उनकी लगाई हुई है, और जोर मचाए शोर वाली बात है, और हमारे समय में कभी मांग पहले नहीं हुई, इसी बार ही मुद्दा बना है। लेकिन हमारे कर्मचारी बड़े ईमानदार मेहनती हैं, वो भी जानते हैं कि कांग्रेस केवल नारा दे रही है, जब इसका समाधान होगा भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। लोग धूमल जी सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा लगातार कैंप किए, स्टार प्रचारकों की भरमार है आपके यहाँ, प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, खुद जेपी नड्डा हैं, टिकट को लेकर 10 टिकट आप लोगों ने काटे, आप खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो लग रहा है कि आपके चेहरा होने की वजह से यहाँ और ज़्यादा आसानी होती। 5 साल आपको सरकार में मौका मिला, डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन देखिए यही हमीरपुर को लेकर, ऊना को लेकर, कभी भी रेलवे का पुराना वर्षों का मामला उसे लोग उठा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ आप ही के पार्टी से थे, बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे पार्टी अनकंफर्टेबल लग रही है कि 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो लग रहा है कि नहीं फिर इस बार रिवाज बदल जाएगा, इसलिए पूछ रहे हैं लोग कि धूमल जी से पूछिए सवाल। पार्टी बहुत कंफर्टेबल लग रही है, कांग्रेस के टाइम में रेल नेटवर्क का काम टोटली बंद हो गया था, ये सारा काम बीजेपी सरकार में शुरू हुआ है, और वंदे भारत ट्रेन भी ऊना से दिल्ली के लिए चल पड़ी है, तो कांग्रेस केवल दुष्प्रचार कर रही है, उसके कहने से कुछ नहीं होता। जहाँ तक आपने कही हमारे बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं, अभी दिवाली का त्यौहार हमने मनाया, जिसके पास 2 ही पटाखे होते थे चला के बैठ जाता है, इसके बाद ज़्यादा होते ज़्यादा चलाता है, बीजेपी के पास ज़्यादा स्टार प्रचारक हैं तो स्टार प्रचारक काम कर रहे हैं, कांग्रेस के पास है ही नहीं, बेचारी प्रियंका आई हुई है वो घूम रही है। लेकिन कांग्रेस तो, करी कि उसके पास मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है, और ना मुद्दे हैं। 8 दिसंबर को इस बार नतीजे से उलटफेर होंगे या फिर रिवाज बदल जाएगा, आखिरी सवाल है। 8 दिसंबर को भी कमल खिलेगा। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों को लेकर भले ही कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो कमल का करिश्मा एक बार फिर लोगों के सामने आएगा। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।